कैथल अनाज मंडी में धान का सीजन चल रहा है। मौसम साफ होने के बाद आवक भी तेज हो गई है। वहीं पिछले हफ्ते पीआर धान के भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल थे, वहीं रविवार को 100 रुपए तक का उछाल देखने को मिला और अब भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचे हैं। वहीं 1509 के भाव 3300 रुपए तक मिल रहे हैं। मुछल किस्म का धान भी 3100 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकता दिखाई दिया है। दरअसल इस सीजन में शुरुआत से ही धान के अच्छे भाव किसानों को मिल रहे हैं। पिछले साल पीआर धान के भाव एमएसपी से भी कम मिले थे, लेकिन इस बार तो एमएसपी से भी 300 रुपए तक ज्यादा भाव मिल रहा है। इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। 1509 के भाव पिछले साल 2700 से 2800 रुपए तक मिले थे, इस बार भाव 400 से 500 रुपए तक ज्यादा मिल रहे हैं। किसानों ने कहा है कि बासमती और 1121 के भाव भी इस बार तेज मिलने की उम्मीद है। पिछले साल 1121 के भाव 4000 रुपए व बासमती के भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिले थे। इस बार दोनों किस्मों के भाव में तेजी आने की उम्मीद फिलहाल किसान लगा रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो मंडियों में आवक इस बार तेज हो चुकी है और भाव अच्छे मिलने से किसान भी खुश हैं। इस बार पीआर धान की डिमांड ज्यादा होने के कारण भाव में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह भाव में जरूर कुछ गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।